अक्षय कुमार गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। आरोप है कि अक्षय ने इस मामले में हिंसा भड़काने के आरोपी राम रहीम को माफी दिलवाने के लिए तब के पंजाब के डिप्टी सीएम रहे सुखबीर बादल से मुलाकात कराने में मध्यस्थता की थी, लेकिन हालांकि अक्षय ने आरोपों को नकार दिया। लेकिन इससे पहले जब अक्षय कुमार एसआईटी के समन पर अपना पक्ष रखने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे तो वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। एयरपोर्ट पर न्यूज 18 ने कई बार उन पर लगे आरोपों पर अक्षय कुमार से सवाल किए, लेकिन अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय तुम बुलाया गया सेट वाला, चलो। हालांकि इसके बाद भी न्यूज 18 ने अक्षय कुमार से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वो बगैर जवाब दिए वहाँ से चले गए। डेरा मुखी देने सुखबीर बादल की मीटिंग करवाता। दावा है कि पूर्व एमएलए हरबंस जलाल ने इस मामले में अक्षय कुमार का नाम जस्टिस रणजीत सिंह आयोग के सामने लिया था, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गए और न ही उन्होंने आयोग के सामने के मांगने पर एफिडेविट दिया। हालांकि दावा है कि इसके बाद भी अक्षय के नाम का जिक्र रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट में है, जिसकी वजह से अक्षय कुमार को एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा। एसआईटी ने पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में अक्षय कुमार से करीब 1 घंटे 48 मिनट तक पूछताछ की। इस दौरान एसआईटी ने अक्षय कुमार से 42 सवाल पूछे। पूछताछ के दौरान एसआईटी ने अक्षय कुमार से सवाल किया कि वो गुरमीत राम रहीम को कैसे और कब से जानते हैं, जिस पर अक्षय कुमार ने जवाब दिया कि वो गुरमीत राम रहीम से कभी नहीं मिले। पूछताछ के दौरान एसआईटी ने दावा किया कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि वो और उनकी पत्नी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। एसआईटी के इस दावे पर अक्षय ने जवाब दिया कि न तो वो और ना ही उनकी पत्नी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। इतना ही नहीं, एसआईटी ने अक्षय कुमार से ये भी पूछा कि उन्होंने राम रहीम और सुखबीर बादल की कोई मीटिंग करवाई थी क्या। इस सवाल पर अक्षय ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी कोई मीटिंग नहीं करवाई। ये आरोप मनगढ़ंत। हालांकि इस पूछताछ में अक्षय कुमार ने माना कि वो 2-3 बार सुखबीर बादल से जरूर मिले हैं, लेकिन उनकी मुलाकात पंजाब से बाहर नहीं हुई। तो वहीं पूछताछ खत्म होने के बाद अक्षय कुमार ने एसआईटी के अफसरों से कहा, मुझे लग रहा है कि बेवजह मेरा नाम इस मामले में उठाया गया है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करें, ताकि देश के लोगों को सच्चाई पता लग सके। अगर भविष्य में फिर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके सामने बेहिचक पेश होने को तैयार हूं। हालांकि अक्षय कुमार के वकील का दावा है कि अब इस मामले में अक्षय को एसआईटी के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। एज ए विटनेस उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी, वो हो गई है और उनसे जो कुछ सवाल थे उन्होंने कर लिए हैं। अब दोबारा आने की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है उनको। इससे पहले इस मामले में एसआईटी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल से भी पूछताछ कर चुकी है।